कमांडोस, हु आर वी? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इंडियन आर्मी मुर्मू दादा और आज का वीडियो में सबको शगुन धर्म। तो दोस्तों, मैं आज मैदान नहीं गया हूं क्योंकि अभी बहुत बारिश हो रही है। तो आज हम आप लोग को यहीं पर घर में थोड़ा कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा और आप लोग देखिए, सीखिए और कीजिए मेरे जैसे। आप लोग फिजिकल फिट रखिए। तो चलिए पहले शुरू कर। तो दोस्तों, चलिए पहले बॉडी को स्ट्रेचिंग करके वार्म करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को तीन चार को एक्सरसाइज दिखाऊंगा। लेकिन आप लोग कंटिन्यू रहे वीडियो में, नहीं तो आप लोग नहीं सीख पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते। दोस्तों, इसी तरह स्ट्रेचिंग करके बॉडी को फुल वार्म करना है, उसके बाद एक्सरसाइज करना है, नहीं तो आपको पूरा शरीर दर्द करेगा। ओके, तो अभी चले एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो चले दोस्तों, आज एक नया एक्सरसाइज आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग देखिए और सीखिए। ये पेट के लिए बहुत तगड़ा एक्सरसाइज है।
देखिए देख लिया दोस्तों, ये बड़ी खतरनाक एक्सरसाइज है लेकिन मजा आ रहा है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सबसे पहले लेटना है, लेट जाना है, इसको उठाना है। तो दोस्तों अभी एक दूसरा एक्सरसाइज देखिए, थोड़ा सा कांटे के मुताबिक पैर को उठाएं, फैलना है और थोड़ा सा डाउन हो जाना है, बॉडी स्ट्रेट सीधे और दोनों हाथ ऊपर, डाउन अप डाउन, 2 मिनट होल्ड, फिर अप डाउन, 2 मिनट होल्ड, फिर अप डाउन, 2 मिनट होल्ड, फिर अप। ताकि आप लोग का ये थाई मसल एक्सरसाइज। तो दोस्तों अगर आप लोग को मैदान जाने के लिए टाइम नहीं होता है तो आप लोग घर में खड़े खड़े कैसे रनिंग करना है, थोड़ा देखिए। कम से कम 5 से 10 मिनट आप कीजिए, देखिए आपका पसीना निकलने लगे और सारा एक्सरसाइज करने में मज़ा आएगा। तो बिना बॉडी वार्म किए अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग को शरीर में कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर होगा और करना भी नहीं चाहिए। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले बॉडी को वार्म, फुल वार्म कीजिए, पसीना पसीना हो जाइए, उसका बाद एक्सरसाइज कीजिए, तब आपको बेनिफिट मिलेगा और आपको एक्सरसाइज करने में भी मज़ा आएगा। तो खड़े खड़े रनिंग कैसे करना है देखिए आप। इसी तरह खड़े खड़े रनिंग करना है, शुरू में धीरे धीरे करो, कम से कम 1-2 मिनट, जैसे बॉडी धीरे धीरे वार्म हो जाएगा तो स्पीड को बढ़ाना है, समझ गया। स्पीड को बढ़ाओ, फुल बढ़ाओ, फिर धीरे धीरे कम करना, फिर इसी तरह 5 से 10 मिनट कम से कम करना है, तब जाके आपका बॉडी फुल वार्म होने के बाद नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज आपको करना है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके दोस्तों, हम लोग वीडियो को ज़्यादा आज लंबा नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं बारिश की वजह से ग्राउंड को नहीं जा पाया और यहाँ घर में तो इतना सारे एक्सरसाइज को तो आप लोग को मैं दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि ना मैं भी खुद आज रनिंग किया नहीं हूँ और ऐसे थोड़ा बहुत बॉडी वार्म करके थोड़ा बहुत एक्सरसाइज आप लोग को दिखाएं। और इस तरह कीजिए दोस्तों आप लोग डेली, ताकि आप लोग को काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेगा। और मैं जो
रनिंग करता हो, बताऊँगा अभी कौन कौन सा शूज है जो रनिंग के लिए अच्छा है। जैसे कि मैं रोड में रनिंग करता हूँ तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप ग्राउंड में चाहे रोड में रनिंग करो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप नॉर्मल शू खरीदे हैं और आप रोड में रनिंग करते हैं तो क्या होगा ना, हम लोग का जो सिन बोन है जो वो क्या है, फट जाता है या तो लेग में पेन हो जाता है। तो सिन बोन कौन सा कहते हैं दोस्तों, देखिए आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये वाला जो हड्डी है ना अंदर में, अंदर से फट जाता है। तो रोड या कंक्रीट ऐसा पिच रास्ता में ज़्यादा दौड़ भाग करना नहीं है, अगर मैदान है तो मैदान में दौड़िए, कुछ नहीं होगा। और मैं जो शू खरीदा हूँ, देखिए आप लोग, तो दोस्तों मेरा शू देखिए मैं कौन सा खरीदा हूँ। तो ये देखिए, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, नॉर्मल में आता है, जो कि आप लोग खरीद सकते हैं और इससे अच्छा दौड़ सकते हैं। दोस्तों इसका प्राइस ऐसा लगते हैं तो इसी तरह नॉर्मल शूज को लीजिए, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है कि ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं है, ये मीडियम है। और इससे भी ज़्यादा कॉस्टली वाला आता है, वो बहुत अच्छा अच्छा शूज आता है, जो अगर खरीद सकते हैं तो आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो ये सब हमारा भाई साहब के लिए बता रहे हैं, जो कि ज़्यादा कॉस्टली वाला तो खरीद नहीं पाएंगे, तो इसी तरह नॉर्मल शू लेके आप आराम से अपना फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो को पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए दोस्तों, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा नया नया नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा और नया नया एक्सरसाइज आप लोग को भी पता चलेगा, ताकि आप लोग भी सीखेंगे और करेंगे। तो आज का वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं दोस्तों, चलिए यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।